नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, राजस्थान स्कूल लाइब्रेरियन की हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है सूरतगढ़ में, जेके विद राकेश संगठ सर के साथ। तो उसका जो पहला टेस्ट हुआ था दोस्तों 10 अक्टूबर को, उसका हम सोल्यूशन के क्रम में पार्ट सेकेंड आज हमारी क्लास है। पहली क्लास आपके पंकज सर ने ली थी, जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। अब हम आगे 26 से क्वेश्चन बढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशन के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर क्या है। पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है, जो एक एग्जाम के पैटर्न से आता है। आप हर एक जो शेड्यूल रहता है उस टॉपिक को देखना उनके, और अपने क्वेश्चंस को देखना, टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, वो सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों, पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका था, जिसे न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका आप कहते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो फर्स्ट एडिशन था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो फर्स्ट एडिशन था, वो फर्स्ट एडिशन आपका दोस्तों 1768 को आया था, जो 71 तक चला था। और ये सबसे पहले जब फर्स्ट पब्लिश हुआ, ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसका जो करंट एडिशन हम बोलते हैं, वो दोस्तों 15 एडिशन आता है, जो 1974 में आया था। इसमें 3 पार्ट होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के क्वेश्चन आता है कि ये कितने पार्ट होते हैं, या ये पार्ट किन किन से संबंधित है। जैसे एक पार्ट होता है आपका प्रोपीडिया, दूसरा पार्ट होता है आपका माइक्रोपीडिया, और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों आपका मैक्रोपीडिया। ये 3 पार्ट होते हैं, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया, और इसके अंदर अलग अलग वॉल्यूम होती है। प्रोपीडिया में इतनी वॉल्यूम है, माइक्रोपीडिया में इतनी वॉल्यूम है, तो आप याद भी रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोपीडिया में 1 वॉल्यूम होती है, यानी वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों खंड, कितने भाग। माइक्रोपीडिया 10 वॉल्यूम और मैक्रोपीडिया 19 वॉल्यूम, 19 वॉल्यूम होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या आया हुआ है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, शिकागो। कहाँ से प्रकाशित होती है? शिकागो से प्रकाशित होती है, ये क्वेश्चन आ गया। शिकागो से प्रकाशित होती है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1768, 1768। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इंसाइक्लोपीडिया से मेजरली क्वेश्चन आते हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है और एक इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन है। उसका आ जाए इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन तो वो होता है 1829, फर्स्ट एडिशन 1829। इस ये जो शिकागो से प्रकाशित होती है, वो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन क्या है, न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और ये बनते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों देखो, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सोर्स है, सूचना स्रोत है, जहां से हमें जानकारी मिलती है, वो दो ही प्रकार के होते हैं। आप सिंपल तरीके से याद रखोगे तो या तो वो प्रिंट फॉर्म में होंगे, यानी मुद्रित स्वरूप में होंगे, या वो नॉन प्रिंट फॉर्म में होंगे, मतलब बिना मुद्रित के। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नॉन प्रिंट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप फिजिकली, आपके हाथ में नहीं है लेकिन आप देख पा रहे हैं वर्चुअली। तो एक होता है डॉक्यूमेंट्री और एक होता है दोस्तों आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सूचना स्रोत होते हैं, तो उनमें से हमें यह बताना है कौन सा इनमें से नॉन डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये चीज बतानी है। नॉन डॉक्यूमेंट्री कौन सा सोर्स नहीं है? तो देखो, डाटाबेस, वेंडर्स, तो जो विक्रेता है दोस्तों वो नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं। एक्सटेंशन वर्कर्स, यानी काम, आप क्या, जैसे मैं यहाँ दूर बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं, आप मुझसे वहां बैठे काम करवा रहे हैं, तो मैं आपके पास फिजिकली तो हूं नहीं, डॉक्यूमेंट प्रूफ में तो नहीं, तो वो एक्सटेंशन वर्क हो गया। प्रोडक्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन दोस्तों प्रकाशित होती है। बुलेटिन क्या होता है? प्रकाशित होती है। प्रोडक्ट बुलेटिन का मतलब, जैसे आपने देखा होगा, आप लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हो, आपके पास बड़े बड़े कोई भी पब्लिशर है, वो आपके पास एक बुकलेट भेजता है कि हमारे पास ये किताबें हैं, ये जनरल है, आपको परचेज करना है तो बताओ। उसमें पूरी बुकलेट दी होती है, यानी उनके प्रोडक्ट है। जैसे कोचिंग पे ले लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका जो आप बैनर देखते हो, उसमें देखो हमारे पास रीट की टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज है, अलग अलग, यानी वो अपने जितने प्रोडक्ट है उसकी आपको बुलेटिन दे रहा है। वो आप जाओगे तो सेंटर पे आपको फिजिकली भी मिल जाएगी, प्रिंट मोड में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, ना कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है। इंटरनेट आप उसको छू थोड़ी सकते हैं, इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं वर्चुअली, तो ये भी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
प्रोडक्ट बुलेटिन। तो आप सबसे पहले सोर्सेज को अगर डिवाइडेशन ही करोगे तो दो ही तरीके से डिवाइडेशन होगा, शुरू में डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, फिर आप डॉक्यूमेंट्री में अलग जाओगे प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी। और जैसे रंगनाथन जी ने तो डॉक्यूमेंट को चार में बांटा था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, मेटा डॉक्यूमेंट्स में बांटा था, वो अलग चीज है दोस्तों, वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें भी हम कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी विच लेटर बिकम द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। आपको पता है जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो पहले कैसे, उसकी शुरुआत हुई, कितनी फेजेज भी हुई, जैसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी होता था, कलकत्ता के पब्लिक लाइब्रेरी में इंपीरियल लाइब्रेरी बना, फिर एक्ट पास हुआ, फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी। तो अब सबसे पहले नाम ये दे दिया कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, जो बाद में बड़ा था भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो उसका स्थापना वर्ष क्या है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो यहाँ बात आ रही है दोस्तों कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की, कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी, स्थापना वर्ष क्या था। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 1836, 1836। फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ निम्नलिखित विशेषताएं, ये विशेषताएं किसकी है? पहली विशेषता क्या है, रिप्रेजेंट ए रिसर्चर परस्पेक्टिव, भी एक रिसर्चर है, शोधकर्ता है कि दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट इवेंट्स पीपल एंड व्यू पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर टाइम, कि विशेष समय की यानी निश्चित समय की घटना लोग दृष्टिकोण को दस्तावेज प्रोवाइड करवाता है। आप दोस्तों जहां याद ही रखना, जहां रिसर्च आपका शब्द ही आ जाए, रिसर्च का अर्थ है दोस्तों प्राइमरी डाटा, रिसर्च जो करता है यानी नई खोज करता है, नई खोज करता है, यानी सर्च करता है, रिसर्च का मतलब ये एकदम प्राइमरी डाटा, ऑथेंटिक डाटा जो कभी पहले यूज नहीं हुआ। तो रिसर्चर हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी डाटा का यूज करेगा, आप जैसे रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, स्कॉलर करोगे या कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप प्राइमरी डाटा को मैक्सिमम यूज करते हो। सेकेंडरी डाटा, टेरिटरी डाटा आपके रेफरेंस के लिए होता है, भी कोई बुक में आपको मैटर ढूंढना है उसके लिए। तो एक शोधकर्ता होता है, एक रिसर्चर होता है, एक स्कॉलर होता है, उसका प्राइमरी डाटा ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो इसका प्राइमरी सोर्सेज होगा, प्राइमरी सोर्सेज डाटा कहाँ से लेते हैं, आपने देखो रिसर्च पेपर हो गए यानी आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स जो किस में पब्लिश होते हैं, जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हुई, कोई भी सम्मेलन कार्यवाही हुई, ये सब क्या है दोस्तों आपका प्राइमरी डाटा है। तो रिसर्चर नाम आते ही कोई ध्यान से ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जहां रिसर्च वर्ड आ जाए वहां प्राइमरी सोर्सेज आपको कर देना है। ये क्वेश्चन बड़े आते हैं दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाले, एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में, कि इसको क्या है, थोड़ा सा इसका एक ट्रिक है, सिंपल सी आप ध्यान रखो, अगर सेंटेंस जो भी दिया होता है आपको कथन, अगर उसमें नेगेटिव सेंटेंस का कोई ना कोई या नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है तो वो दोस्तों असत्य होगा, मैक्सिमम ये रहता है। अगर आपको थ्योरी नहीं है, आपको कम पढ़ी है, तो ये आपका एक आइडिया लग जाता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तो कथन ए, आधुनिक पुस्तकालय को सामाजिक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, मतलब जो लाइब्रेरी है मॉडर्न लाइब्रेरी वो अपने सोशल जो है उस सिस्टम को, सूचना की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। दूसरा क्या है कि लाइब्रेरी इज ए सोशल इंस्टीट्यूट, ये तो हमारा पहला टॉपिक ही यही है सिलेबस का, पहली यूनिट का पहला टॉपिक ही ये, सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय, सामाजिक संस्था के रूप में पुस्तकालय है, तो इन दोनों में बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है दोस्तों, ये आप बताओगे तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। आपको पता ही दिया, जब एक सेंटेंस आपको पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरा मॉडर्न लाइब्रेरी पॉजिटिव मिल रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव मिल रहा है, आपके दोनों कथन क्या है सत्य है दोस्तों, दोनों कथन क्या है सत्य कथन है। रामपुर रज्जा लाइब्रेरी वॉज फाउंडेड बाई नवाब फैजुल्ला खान, आप पढ़ रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, रामपुर रज्जा लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, इसको कब नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया, वो सब भी पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। तो इस एक क्वेश्चन में आपकी ये थ्योरी तैयार हो रही है कि रामपुर रज्जा लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किसने की थी, नवाब फैजुल्ला खान ने। अब बात यही है कि कब की थी, हमें तो ये चीज़ बतानी है। तो दोस्तों ये बहुत बार पढ़ा भी हुआ है, 1774 के अंदर रामपुर रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ए ट्रिब्यूट वाज पब्लिश्ड बाय, ये रंगनाथन जी के ऊपर, जैसे रंगनाथन जी
कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं ये लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का एक कारण ये है। रंगनाथन जी कौन है दोस्तों? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, यानी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर रंगनाथन जी। इनको एक समर्पित बुक पब्लिश की थी, वो पुस्तक किसने प्रकाशित की थी ये हमें बताना है। तो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता है, उसने ये पब्लिश की थी दैट डॉक्टर एस आर रंगनाथन ए ट्रिब्यूट, ये एक बुक है, ये किसने प्रकाशित की? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। टेरिटरी सोर्सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन के टेरिटरी, टेरिटरी यानी तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत सूचना के ऐसे स्रोत है जो सबसे अंत में प्रकट होते हैं। हाँ पता है, पहले प्राइमरी आएगा फिर सेकेंडरी आएगा, पहले आप क्वेश्चन को समझो फिर टेरिटरी आएगा, अंत में प्रकाशित होता है, बिल्कुल होता है, और जिसमें अधिकांश विषयगत ज्ञान नहीं होता। आपको पता है ये प्राइमरी डाटा है, एक चीज के ऊपर है, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिश्रण क्या बन गया? टेरिटरी होगा, तो विषयगत ज्ञान नहीं होता। ये बोला है कि एक ही जरूरी नहीं है, इसमें मल्टी हो सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है, बहु विषय हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही। तो आपने देखा होगा कोई भी पेपर उठा लेना आप, कंपटीशन का आया हुआ जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको ईयर के मिलने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोई ना कोई बुक का मिलने वाला है, और 2 से 3 क्वेश्चन ये आता है कि ये परिभाषा, ये कथन, ये स्टेटमेंट किसने दिया। अपना सारा पेपर दोस्तों इसी लेवल का रहने वाला है, मॉडरेट लेवल रहने वाला है, जो आपको बाद में सीधा कंपटीशन का पेपर देते हो तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, इसीलिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड जरूर लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सेकेंड ग्रेड का पेपर है ना कि फर्स्ट, ये आपका थर्ड ग्रेड का पेपर है, और सिलेबस चेंज किया है, आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है? तो अच्छा पेपर रहने वाला है। आप सेकंड ग्रेड टीचरों के पेपर देखना, आप उनके सब्जेक्ट के बड़े अच्छे पेपर आते हैं। जब ये मैटर बना हुआ है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ये नहीं आ सकता, ये पेपर नहीं आ सकता? तो ये आपको मैंने बता दिया, ऐसे पर्सन आते हैं। तो ये चीज है, इसका ध्यान भी रखना होगा। इसमें ये नहीं है कि ऐसे सर कितना के याद रखें, जो जो आए हुए हैं ना क्वेश्चन, जो जो मैं इनमें पेपरों में भी आ रहे हैं या और भी कहीं से मिल रहे हैं, आप उनको पढ़ दीजिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। उनमें से आगे तो पढ़िया, नहीं तो आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ी हुई तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या है? डेनिश क्रोगन। बड़ा बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे आपने को पता है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी तक पहुंचे ही ग्रोगन था, अभी 3 भागों में बांटा ही ग्रोगन ने था, तो बस डेनिस ग्रोगन, ये तरीका याद रखना। हु सेड वी नाउ मोर देन वी कैन टेल, किसने कहा था कि हम जितना बता सकते हैं उससे अधिक जानते। सीधी सी बात है, आप तभी जानते हो तभी कुछ बता पाओगे। अब आप, मैं इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में जो दिया है उससे ज्यादा जानता हूं तभी आपको मैं बता पाऊंगा, ये सही बात है। तो ये किसने कहा, ये सेंटेंस किसने कहा? एच ई ब्लिस, हेनरी फ्योल, माइकल पुलाइनी या डब्ल्यू सी सीयर? तो आप देखना दोस्तों, 2 प्रकार के आपका ज्ञान, ये पहला पेपर है तो ज्ञान यूनिट वाला है, नॉलेज पूछ लेते हैं। तो ज्ञान 2 अव्यक्त और सुव्यक्त ज्ञान होता है, जो एक एक तो अपने आगे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक जो हाव भाव से समझा जाता है। तो लगभग ज्ञान पे जो डेफिनेशन वगैरह दी थी, ज्ञान पे थ्योरीज दी थी, तो आप याद ही रखना कौन था वो व्यक्ति, माइकल पोलाइनी। माइकल पोलाइनी ये याद रखना, जहाँ ज्ञान शब्द का नाम आए कुछ ना आता हो तो आप क्या दोगे, माइकल पोलाइनी कर दोगे। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पाइनियर इन द एरिया ऑफ कंपेरेटिव लाइब्रेरी साइंस स्टडी। कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक अध्ययन, ये पुस्तकालय अध्ययन के क्षेत्र में कौन मतलब अग्रणी था? आपने देखा होगा इनमें से आप व्यक्ति विशेष देखो, एच ए ब्लिस ने क्या किया, वर्गीकरण सूत्र पे काम किया, कटर ने क्या काम किया, वही काम कटर ने किया, वर्गीकरण पे भी कर लिया, सूचीकरण पे भी कर लिया, ठीक है? रंगनाथन जी ने आप देखा ऑल ओवर काम किया था, ठीक है? इसमें से आपको नया कौन दिख रहा है बताओ? जे पेरियन डेंट। आप ऑप्शन से थोड़ा सा अंदाजा लगा के ये कर सकते हैं, जे पेरियन डेंटन इसका राइट आंसर। 36 की 36 आप देखोगे, अभिलेख पटल। अभिलेख, विलेख का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्काइव्स। क्या होता है? आर्काइव्स। अब इसलिए कहता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ो, जब अभिलेख पटल क्या है, आर्काइव्स। अब बताओ इनमें आर्काइव्स कहाँ से? सीधी सी बात है, अभिलेख पटल एक पोर्टल है दोस्तों, जहां पे क्या मिलता है, किसका एक्सेस मिलता है, अभिलेखों का एक्सेस मिलता है, ठीक है? जनरल, मैन्युस्क्रिप्ट, बुक्स, ये तीनों गलत है ये, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने का फायदा है, और लाइब्रेरी साइंस दोनों में ही पढ़ो तो बढ़िया रहेगा। इंग्लिश अपने को वैसे थोड़ी कोई स्पोकन करनी है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे, अपने को तो बस इतना पढ़ना है जितनी कपड़ों को जरूरत है बस।
अकॉर्डिंग टू हू मेटा डॉक्यूमेंट्स इज डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाई डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल या नेचुरल फिनोमेना यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। किसके अनुसार मेटा दस्तावेज कुछ उपकरणों का उपयोग करके सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं की प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग द्वारा निर्मित दस्तावेज। देखो आपको पता है ये सब बात सिर्फ मेटा डॉक्यूमेंट्स की हो रहा है। अब बताओ मेटा डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिवाइडेशन किया किसने था, आपको पता है? इसमें ऑप्शन देखो, हैंसन और ग्रोगन उठाओ पहले। हैंसन, हैंसन ने क्या बताया कि दो ही होते हैं सोर्सेज, या प्राइमरी या सेकेंडरी। ग्रोगन ने क्या बताया? प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। मेलविल डेवी तो बताया नहीं, बुक सिलेक्शन नियम दिया था डेवी ने। पीछे बचे रंगनाथन जी, रंगनाथन जी ने आपको पता है चार दिए थे, कन्वेंशनल परंपरागत अपरंपरागत, ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट्स। तो ये आ गया ना मेटा डॉक्यूमेंट्स, किसने दिया? रंगनाथन जी ने। बताओ आप कर नहीं पाओगे क्या? आप सोच रहे हो ना दोस्तों सीधा सीधा ऊपर से पढ़ा क्वेश्चन और सीधा ऑप्शन कर दे, ऐसे ऑप्शन काट के भी करने पड़ेंगे। आप कोई भी पेपर उठाओगे 100 क्वेश्चन है उसमें से 40 क्वेश्चन तो वो ऐसा कर देंगे सीधा सीधा देखते। 20 क्वेश्चन आपने देखा होगा उसमें से वो होंगे जो इसकी थ्योरी पड़ी हुई है, लेकिन जो इसके सिलेक्शन करवाते हैं वो इससे आगे वाले 20 क्वेश्चन है, बस तो ऐसे होंगे जो नए लगेंगे आपको। ये वो है जो थ्योरी पढ़ के पूरा डीप में जाएगा, ऑप्शन काटेगा, वो जो जितने ज्यादा ये आंसर देगा वो सिलेक्शन के उतना करीब होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्या है सबसे पहले बोल रहे हैं मानव इतिहास में दस्तावेज का पहला स्वरूप क्या था, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट था जो सबसे पहले यूज कर रहे थे हम? पेपराइस, पेपराइस आपने पढ़ा हुआ है, पेपर था पेपराइस, पेपर मेन्यूस्क्रिप्ट, कागज की पांडुलिपि भी आपने देखा। डिजिटल बोर्ड तो अब चल रहा है, ये होगा ही नहीं, कागज आ गया, मेन्यूस्क्रिप्ट आ गई, पेपराइस भी आप पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन जो क्यूनिफॉर्म टेबलेट था वो इसका था। जैसे अपने टॉपिक क्या था, पुस्तकालयों का विकास, तो सीधी सी बात है पुस्तकालय में किताबें आएंगी, कैसे इनका दस्तावेज का पहला स्वरूप है ये आप जब हिस्टोरिकल पढ़ोगे तो उसमें यह आपको चीजें मिलने वाली है। एक जैसे मिस्र में इसका यूज हुआ, पेपराइस है, पेपर कौन सा था, ये सब इसके दो चार क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे इससे थोड़ा आइडिया लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, हु वाज एस्टैब्लिश द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इंडिया। भारत में पहला पुस्तकालय स्कूल किसने स्थापित किया? अब आप ये पर्सन आगे तो बढ़ोगे नहीं, उससे पहले क्या करोगे, डब्ल्यू ए बोर्डन करने वाले। किसने बुलाया? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। कौन था? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के महाराजा थे, जिन्होंने पुस्तकालयों के विकास के लिए, ट्रेन कोर्स चलाने के लिए, जो किसको बुलाया, डब्ल्यू ए बोर्डन को लंदन से बुलाया था। ठीक है, डब्ल्यू ए बोर्डन ने आते पुस्तकालय स्कूल स्थापित करने का कार्य किया। क्लियर दोस्तों? द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड इन, मतलब दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय का अस्तित्व। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला, देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली। सबसे पहले तो क्लियर करो कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी होती है वो किस लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना ये टाइप है स्पेशल लाइब्रेरी का, यानी विशिष्ट पुस्तकालय। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है, देहरादून यानी उत्तराखंड। ग्रे लिटरेचर तो देखो, ग्रे साहित्य क्या होता है? ग्रे लिटरेचर कौन सा साहित्य होता है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अब देखो, जैसे मैं आपको पेपर की पीडीएफ भेज दी, ये पेपर की पीडीएफ भेज दी, ये पीडीएफ वैसे तो प्रकाशित हुई नहीं, यानी कोई पब्लिशर के थ्रू या कोई आईएसबीएन नंबर के थ्रू, लेकिन ये फिर भी ये आपके पास तो आ गया लिटरेचर, ये तो आ गया, डॉक्यूमेंट तो आ गया। ठीक है, तो अब इनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर फाइल, कोई लेना देना नहीं। जिप डॉक्यूमेंट, कोई लेना देना नहीं। एवी सामग्री, कोई लेना देना नहीं। लेकिन अनपब्लिश्ड, यानी आपको बताया अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, यानी अनपब्लिश जो लिटरेचर है उनको ही ग्रे लिटरेचर बोलते हैं। इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन मैंने बताया आता भी है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री और एक है नॉन डॉक्यूमेंट्री। अब इनको आप प्रिंट और नॉन प्रिंट मोड में भी रख सकते हो। बताओ पेटेंट, पेटेंट प्रकाशित होता है, पेटेंट प्रकाशित होता है, यानी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है। स्टैंडर्ड भी होता है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी सोर्स है, ये भी ध्यान रखना, दोनों क्या है, प्राइमरी सोर्स। वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑल ऑफ द अबव,
वीडियो रिकॉर्डिंग भी, आप बड़ी लाइब्रेरी में जाओ वहां देखना, सीडी पड़ी होती है, सीडियां बहुत, तीनों है जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं। ओके दोस्तों, तीनों ही है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, तो ऑल ऑफ दी अबो उपरोक्त सभी। 43, विच एनिशियंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिट विद इन्वेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ द लाइब्रेरी, भी पुस्तकालय की अवधारणा का आविष्कार करने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है, भी कौन सी ऐसी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी जहाँ लाइब्रेरी थी दोस्तों, जो तथ्यों में पाया गया है वहां पे कि पुस्तकालयों का विकास आविष्कार यहाँ से हुआ है, रशियन सभ्यता, रूसियों से, ग्रीक से, इजिप्टियन मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ध्यान रखना दोस्तों मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर। इंडिकेट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग रेफरेंस सोर्सेज, सबसे पहले आप देखना दोस्तों आपका टॉपिक, देखना आपके टॉपिक में क्या देख रखता है, सूचना स्रोत दे रखे हैं, आगे टॉपिक दे रखा है सूचना स्रोतों का मूल्यांकन, सूचना स्रोतों का मूल्यांकन, अब इसको समझना दोस्तों, इस मूल्यांकन का अर्थ क्या करोगे कैसे, सूचना स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो डिक्शनरी हुआ, इंसाइक्लोपीडिया हुआ, ठीक है, ऐसे सूचना स्रोत है। अब आपको इनका मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कैसे होता है दोस्तों कोई भी स्रोत का, सबसे पहले आप कोई भी बुक आती है मार्केट में आपके ऊपर ही ले लो, आप क्या देखते हो कि अप टू डेट है या नहीं है, मतलब करंट का है नहीं है, पुरानी तो नहीं है, देखते हो लैंग्वेज कैसी है, इजी है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है या नहीं है, प्राइस क्या है, मूल्य भी तो देखते हो, पेजेस भी देखते हो, अच्छे पब्लिशर की है या नहीं है पब्लिशर भी देखते हो, लेखक ऑथर कौन है, अच्छा ऑथर भी होना चाहिए जिसकी किताबें आती है और नाम हो, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें देखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, ये सब चीजें देखते हो आप दोस्तों, यानी उसका पूरी मूल्यांकन इस तरह करते हो, अलग अलग डिवाइडेशन है, ये अलग अलग सोर्स का अलग अलग होता है, जैसे डिक्शनरी आए तो डिक्शनरी में क्या वर्ड देखोगे आप, वर्ड कैसे हैं, सेंटेंस कैसे हैं, ये भी देखो, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया में ये देखोगे कितना एरिया कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज है दोस्तों सूचना स्रोतों का मूल्यांकन, इसमें कोई वो नहीं है अलग 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 आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, ये चीज आपको पता है कि कौन सी चीज क्या है तो आप आंसर दे पाओगे। अब इसके कुछ आपको बताएं इवोल्यूशन का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है यही, अथॉरिटी देखो, स्कोप क्या है उस सब्जेक्ट का, व्यवस्थित है या नहीं है, अरेंजमेंट है या नहीं है, तो ये सबसे पहले बात तक कौन सा मापदंड है जो लॉजिकली एक सीक्वेंस में सही रहता है, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले तो अथॉरिटी देखेंगे अपने, अथॉरिटी के बाद क्या चेक करेंगे, स्कोप कितना है, फिर व्यवस्थित रूप से है या नहीं है, जैसे आप यूनिट आपका है, यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक दे दिया बुक में पहले, सीधा ही पांचवी यूनिट का दूसरा पांचवा टॉपिक डाल दिया, फिर छठा डाल दिया, फिर तीसरे यूनिट का दूसरा डाल दिया, कैसे बढ़ोगे आप, व्यवस्थित ही नहीं है, अरेंजमेंट ही नहीं है, स्कोप आप देखोगे स्कोप ये पूरा करता है या नहीं करता है, अथॉरिटी आप ऑथेंटिसिटी भी तो चेक करते हो कोई चीज की, उसके अंदर जो दिया हुआ है मटेरियल वो दोस्तों ऑथेंटिक डाटा है या नहीं है, गलतियां ना हो, ये सब चीज आप इवोल्यूशन करते हो कोई भी रेफरेंस सोर्सेज का, ये चीज है दोस्तों आपके टॉपिक में भी दिया हुआ है सिलेबस में साफ साफ, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आपके टेस्ट के अंदर रहा था, तो ये पढ़ लेना आप, अथॉरिटी, स्कोप और अरेंजमेंट, ये इसका लॉजिकल सीक्वेंस रहता है, क्या क्या चीज चेक करते हैं ये मैंने आपको समझाई। अगला क्वेश्चन, द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज बीन फॉर्मड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, अब दोस्तों आप ध्यान रखना विषय होते हैं सब्जेक्ट, वो कोई ना कोई कोई भी सब्जेक्ट है आप देखो, चाहे लाइब्रेरी साइंस ही है, अब ये लाइब्रेरी साइंस सीधा तो बना नहीं, इसके अंदर देखा होगा इंफॉर्मेशन साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, मैनेजमेंट भी है, ठीक है, इन सब्जेक्ट को बनाया कैसे, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट फॉर्मेशन की विधियां बनी, क्या बनी, सब्जेक्ट फॉर्मेशन की विधियां बनी, अगर आपको कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली थोड़ा आता है तो आप थोड़ा सा इजिली इन विधियों को याद कर सकते हैं, नहीं तो इसका तरीका क्या करते हो आप, अलग अलग लिख लेते हो कि फ्यूजन की कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फ्यूजन का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, आसवन विधि किस किस सब्जेक्ट से बना होता है, यानी बार 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 प्रैक्टिस करके भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो इसके अलावा माध्यम क्या रहता है, इनको एक बार अगर आपको आता है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा आइसोलेट होता है, क्या फेज होता है, आपस में कैसे विषय जोड़ के बनते हैं, क्या कौन से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कौन से कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो ये रटा लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, मेरी एक क्लास है आप देखना इसी चैनल पे सब्जेक्ट फॉर्मेशन की, वो आप क्लास अटेंड कर लेना, आपके ये विधियों का मैटर सारा क्लियर होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है दोस्तों, अब रिसर्च का नाम आ गया यानी एकदम शुद्ध सब्जेक्ट,
एकदम शुद्ध विषय, शोध पद्धति एकदम। तो याद रखना कोई भी प्योर सब्जेक्ट है ना, शुद्ध सब्जेक्ट है, वो किस विधि से बनता है। देखो आपने कोई भी चीज है उसको आश्रित कर लेते हैं ना, कहते हैं ना कचरा है, आप पानी को छान लेंगे तो पानी साफ आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा, तो आश्रित कर लेंगे इसको। ये ध्यान रखना आप, डिस्टिलेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है द सब्जेक्ट कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, दोनों सूचीकरण और वर्गीकरण विषय, वो किस विषय निर्माण विधि से बने। ये भी विधि अच्छी है, आप ध्यान रखना। ये बनती है लूज असेंबल से, स्टिल संग्रहण विधि से। लूज असेंबल में भी ध्यान रखना, लूज असेंबल तीन प्रकार की होती है, लूज असेंबल फर्स्ट, लूज असेंबल सेकेंड और लूज असेंबल थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू फेज सब्जेक्ट, मतलब दो चरणीय विषय होता है, एक फेज फिर सेकेंड फेज, ये दो फेज से गुजर कर जाना पड़ता है, वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? बेसिक सब्जेक्ट यानी मूल विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट यानी संयुक्त विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल विषय। सबसे पहला विषय आपको पता है बेसिक होता है, बेसिक के साथ साथ कोई ना कोई आइसोलेट एड हो गया दूसरे विषय का, तो वो क्या बन गया? कंपाउंड। और जटिल क्या हो गया? जो इसमें दो या दो से अधिक विषय आपस में मिल गए, वो कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गए। ये तीन प्रकार के विषय होते हैं, आपको बताना है कि दो इसमें दो फेज किस में गए। तो आप ध्यान रखना दो या दो से अधिक सब्जेक्ट कहाँ बन रहे हैं? कॉम्प्लेक्स से, जटिल विषयों से। दो चरणीय विषय कौन से कहलाते हैं? जटिल विषय कहलाते हैं। आईसीटी स्टैंड फॉर, आपका पांचवी यूनिट है, यूनिट नंबर फाइव, उसका टाइटल ये है आईसीटी। आप देखना आईसीटी पूरा टाइटल ये है। अपने जो कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉर्मल बोलते हैं, कंप्यूटर को आईसीटी बोलते हैं दोस्तों, इस टाइम क्या बोलते हैं? आईसीटी। इसका क्या है फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेलीकोमेशन नहीं है, लेकिन आपको पता आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये आईसीटी की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी इन 1709 वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में प्रथम परिचालन पुस्तकालय कब शुरू किया गया? सर्कुलेटिंग का मतलब है जहां पे किताबें इशू रिटर्न स्टार्ट हो गई थी, आप जाके इशू भी करवा सकते हो, बुक को रिटर्न भी कर सकते हैं। ये पहली पर्सन क्या, एक तो पर्सन आपको क्या बता रहे हैं कि पहली शुरू हुई थी इंडिया के अंदर 1709 में। ये पर्सन आज कब शुरू हुई थी? 1709 में हुई थी। कहां शुरू हुई थी ये हमें बताना है, तो कहां शुरू हुई थी दोस्तों? कलकत्ता। आपका टॉपिक दिया हुआ है देखना यूनिट फर्स्ट में, पुस्तकालयों का विकास, दोस्तों वहां से ये पर्सन बनाए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है या सिलेबस से बाहर है। जो जितनी जो चीजें नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं बार बार कोई पढ़ते हो आप, वो तो दोस्तों आपको वैसे ही याद है, फिर आपका मूल्यांकन कैसे होगा? ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डज ए कंप्यूटर कैलकुलेट। अब आपको पता है कि कंप्यूटर दो ही भाषा को जानता था, जीरो और एक, ये पढ़ते आए, हमेशा पढ़ते हैं, आप इसको ज्यादा गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, भाषा को समझो और आंसर दो। जीरो और एक दो ही होते हैं, यानी दो का मतलब क्या हो गया आप बताओ? बाइनरी। दो का नंबर क्या हो गया? बाइनरी। और बताओ इसमें से कोई बाइनरी या दो अंक बता रहा है क्या? दशमलव यानी दस अंक, ऑक्टल यानी आठ अंक, ठीक है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी बनता है दो, तो क्या राइट आंसर होगा? बाइनरी राइट आंसर। तो आज की क्लास में दोस्तों यह था, धीरे धीरे हम जो भी पेपर हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन करवाते जाएंगे, और भी सॉल्यूशन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे। तो आप टेस्ट वन के आपके सेकंड पार्ट की ये क्लास होगी, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, चार क्लास में हम आपको एक पेपर कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट जो पेपर है आपका उसका भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे इस पे चैनल पे रहने वाला है। और भी बहुत जो भी आपका मतलब कोई टॉपिक है अच्छा कवर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो टॉपिक आप डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना, सर ये टॉपिक की हमें क्लास दे दीजिए, उस क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप दोस्तों सूरतगढ़ में जीके विद्रागे संगीत सर है, वहां जाके विजिट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक इससे पहले के टेस्ट हो गए या लेट ज्वाइन करते हो तो वहां से टेस्ट आप ले भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए।